हिसार की पलक ने प्रदेश में पहला और मोनिका ने पाया तीसरा स्थान। हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी के परीक्षा परिणाम में हिसार जिले की दो लड़कियों ने टॉप अंक लेकर जिले का तथा अपने परिजनों का नाम रोशन किया। हिसार की पलक ने कॉमर्स में 494 अंक लेकर प्रदेश में पहला स्थान तथा मोनिका ने 491 अंक लेकर प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। परीक्षा में अव्वल अंक लाने पर परिजनों स्कूल के अध्यापकों में खुशी का माहौल है। वहीं परिवार ने मिठाई बांट कर अपनी खुशी का इजहार किया है। इस मौके पर बातचीत करते पलक और मोनिका ने कहा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, मेरे पेपर अच्छे हुए थे तो मुझे उम्मीद 494 आउट ऑफ 500। सब्जेक्ट वाइज मेरे अकाउंट्स में 98 है, बिजनेस में 100 है, मैथ्स में भी मेरे 100 है, इंग्लिश में मेरे 99 है और मैंने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया हुआ कंप्यूटर साइंस जिसमें मेरे 97 है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 घंटे पढ़ती हूँ। मैं ज़्यादातर सुबह पढ़ती थी। सुबह हमारा माइंड फ्रेश होता है तो हमें अच्छे से पढ़ा जाता है, तो मैं सुबह पढ़ती थी। अकाउंट्स मुझे अच्छा लगता है। जो अकाउंट सर पढ़ाते वो भी मुझे फेवरेट सर है मेरे। अकाउंट्स कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट आ जाते तो पूरा अकाउंट्स आ जाता है। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो अगर हमारा एक प्रैक्टिकल हो जाता है तो हमें सारे करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो कुछ अलग बात होती है हर प्रैक्टिकल में वो करनी पड़ती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए मैंने कॉमर्स लिया। बहुत अच्छा लग रहा है। पापा मम्मी टीचर सबको, सारे मुझे अच्छे से सपोर्ट करते थे, उन्हीं की वजह से तो मैं इतने अच्छे मार्क्स आए मेरे। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है। सर रेगुलर स्टडीज एंड तो बेसिस हार्ड वर्क करो हर सब्जेक्ट पे, इक्वल वेटेज दो हर सब्जेक्ट डेली, उससे अच्छा रिजल्ट। सबसे ज़्यादा तो टीचर्स को है जिन्होंने पढ़ाया है, सब समझाया है, और पेरेंट्स को जिन्होंने सपोर्ट किया है। फिर CA बनना चाहती हूँ तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो ये है कि पूरी मेहनत करो अपनी स्टडीज़ पे, बाकी चीज़ों पर ध्यान रखा कि जितना ज़्यादा उसको स्टडीज़ पर फोकस करेंगे तभी आगे कुछ फ्यूचर में अच्छा बनेगा। तो डेली 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करो एटलीस्ट, ताकि हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक जो भी है कवर हो सके डेली बेसिस पर। रिविज़न का टाइम निकालो अगर से।